तो हम लोग पहुंच गए हैं हनीमून पॉइंट। वो सामने ऊपर गुरु सीकर है एंड वहां देखो इतने ऊंचे ऊंचे तक पर्वत है पूरा। गाइस गुरु सीकर पे मेन जो मंदिर है वो यही वाला है, महादेव जी का मंदिर है। और देखो मैं आपको आज पहली बार पूरा मंदिर अंदर से दिखाऊंगा। कभी किसी ने गुरु सीकर वाला मंदिर आपको अंदर से नहीं दिखाया होगा गाइस, कभी भी किसी भी यूट्यूब चैनल पे कोई भी वीडियो नहीं आया होगा। ये देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो सामने वो नीचे जो है वो महादेव जी की मेन मूर्ति है एंड ऊपर तस्वीर लगा रखी है और यही गुरु सीकर का मेन मंदिर है। ये हम गुरु सीकर की गुफा से बाहर निकलते हुए एंड ये वाली गुफा दोस्तों यहाँ से सामने पाकिस्तान दिखता है। अगर हमारे पास भी टेलीस्कोप होता तो हम यहाँ से पाकिस्तान को देख सकते थे। ये सामने ही पाकिस्तान बॉर्डर है, उस साइड लेफ्ट साइड जहाँ रह गई है। दोस्तों उधर पाकिस्तान बॉर्डर था एंड यहाँ ये गुरु सीकर है लास्ट बॉर्डर पे, हमारे यहाँ राजस्थान के लास्ट बॉर्डर पे। और ये देखो गुरु सीकर का मंदिर जो हम लोग क्या है, तो मैंने आपको पूरा मंदिर दिखाया है। गाइस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जरूर गाइस फैला दो इस वीडियो को, शेयर करना मत भूल। दोस्तों अब हम आ गए हैं कन्याकुमारी में और यहाँ पे आपको दिखाते हैं शांति और ये सब चीज़ें। आपने मुझे क्यों जगाया? प्रिय आत्मन अब सोने का समय नहीं, तन में अवतरित होकर मानव को देव बनाने की श्रेष्ठ शिक्षा दे रहे हैं, इसीलिए अब अज्ञान नींद से जागो और परमात्मा जो आज से जगाकर अवश्य ईश्वरीय ज्ञान व राजयोग सीखकर अपना जीवन धन्य बनाए। धन्यवाद। ओम शांति। ते चालू दिख सा आगे फोटो खा को मना के। दोस्तों अब हम आ गए हैं नक्की लेक, अब हम नक्की लेक पहुंच गए हैं और नक्की लेक विजिट करेंगे और इसके बाद वापस घर पे निकलेंगे। दोस्तों वो देख लो सनसेट पॉइंट है ना, यो ध्यान दी गुरु सनसेट। हाँ जी टाइम तो लगेगा कहीं नहीं।
है ना, कतरी में ले लीजिए जी। तो गाइस हम बड़ी मुश्किल से आज आबू रोड देख के, माउंट आबू देख के वापस नीचे उतर रहे हैं। अब बीच में आज 3 तारीख को द्रौपदी मुर्मू आई है, उसी की वजह से आज पूरा जाम भी लग गया था, इसलिए हम बहुत लेट हो गए नीचे जाने में। द्रौपदी मुर्मू आज यहाँ निक्की लेक पे आई थी तो पूरा जाम लगा हुआ था, अभी जाके जाम खुला है तो हम नीचे निकल रहे हैं। अभी चले जाने जाने तो अपनी साइड चले जानी।